हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टू वेस्ट चैनल। हमने लास्ट टाइम हमने इसमें रैशनल और इरैशनल्स में हमने ना चैप्टर्स कवर किए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन। इस बार हम पैरेलल लेंस एंड ट्रांसवर्सल, देखिए हम ना स्टैंडर्ड वाइज नहीं जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक वाइज इसलिए, क्योंकि जैसे ही आप टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट टॉपिक का आपको कंटेंट मिल जाएगा और आप सीधा वीडियो देख सकते हैं। तो इस वजह से मैं टॉपिक वाइज वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत ईजी हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को सारे, जैसे कि मैथ्स के सारे टॉपिक्स आपके, उसमें से कुछ टॉपिक्स आपके डिफ़िकल्ट होते हैं और कुछ टॉपिक्स आपको आते हैं। तो जो डिफ़िकल्ट होते हैं आप उसको सर्च मारेंगे तो आपको सीधे टॉपिक्स के नाम आ जाएंगे। तो इस वजह से मैं टॉपिक वाइज वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। तो लास्ट हम इस बार हम आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में आपको वो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और उसके क्लियर डाउट्स करेंगे। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रांसवर्सल? Transversal is the line which intersect the two line in two distinct point. Right now I'm just taking only the transversal part. I'm not teaching you the parallel lines. The line which is intersecting the two line in two distinct point is called the transversal. ये दो point में आपको वो कर रहा है, जैसे कि आप ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी line हो, but एक लाइन ऐसी है जो दो पॉइंट में आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट लाइन इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? द ट्रांसवर्सल लाइन। इट्स वेरी इजी, राइट? ओके। अब इसमें है ना बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स होते हैं, जैसे कि करिस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। सो नाउ लेट्स डिस्कस ऑन दैट। ओके, नाउ दिस आर द जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। अब इसमें एंगल्स आपको कैसे स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि अगर ये एंगल का नाम बोलना है तो आप कैसे लिखोगे? ए पी सी। सो सम पीपल दे आर राइटिंग लाइक दिस वे, ए पी सी, राइट? सो दिस इज द एंगल नेम, राइट? ए पी सी इज द एंगल, दिस वन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द बिग थ्री लेटर्स एंगल, आई एम जस्ट राइटिंग ओनली वन लेटर एंगल। आई जस्ट गिव, बिकॉज आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये एंगल का नाम हम रखेंगे ए बी सी डी एंड दिस इज ई एफ जी एच। सो व्हाई आई एम गिविंग दिस स्मॉल लेटर, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ राइटिंग थ्री लेटर एंगल, अगर ये छोटा सा ए लिखने के लिए हम अगर तीन लेटर बोलेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऐसा भी लिखा जाता है और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। आपको अगर नाम देना है ये एंगल का नाम स्मॉल ए तो वैसा भी दे सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है, राइट? देखिए, अच्छा, अब फर्स्ट टाइप आते हैं हम करिस्पॉन्डिंग एंगल में। करिस्पॉन्डिंग एंगल, करिस्पॉन्डिंग एंगल मोस्टली जो आता है वो वन साइड में आएगा आपका। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ओनली वन साइड इस साइड रहेगा या तो उस साइड रहेगा। यहाँ के लेटर यहाँ से लेटर से कुछ रिलेशन नहीं रहेगा, एक ही साइड से आपका करिस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। जैसे ए, ए विल ए एंगल ए एंड लीव दिस एंगल, द वन एंगल यू हैव टू लीव इट एंड जंप टू द सेकेंड एंगल, सो ई। सो एंगल ए एंड एंगल ई आर द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, फाइन। वैसे ही सी किसके साथ होएगा? जी के साथ। सो सेम साइड में आपका करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर दूसरे साइड में जाएंगे आप, ये एंगल सी और एंगल जी को भी आपने बना दिया, राइट? अब बी, एंगल बी किसके साथ होएगा? एंगल एफ के साथ होएगा। और एंगल डी किसके साथ होएगा? एंगल एच के साथ होएगा। सो देर आर फोर एंगल्स यू कैन से दैट करिस्पॉन्डिंग एंगल आर फॉर्मिंग इन वन ट्रांसवर्सल लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द टू लाइन। ओके, तो ये हो गया आपका करिस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया? एकदम ईजी है ये। क्या है, आप लोग को इसलिए मैं छोटे लेटर्स में समझा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तीन लेटर लिखूँ तो बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। अब सेकेंड चीज लेते हैं, इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ हम ये इंटीरियर एंगल से स्टार्ट करते हैं। करिस्पॉन्डिंग एंगल तो आपको समझ में आ गया रहेगा। लेट्स सी द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ओनली अंदर के साइड होता है, सी वर्सेस ई। सी आपका ई के साथ होएगा और डी आपका एफ
एफ के साथ होएगा। बाहर के एंगल से कोई मतलब नहीं होता इनका, मोस्टली इनके जो जो दो लाइन होती है वो लाइन के अंदर जो चार एंगल जो फॉर्म हुए हैं उससे आपका इनका कोरिलेशंस होते हैं, और आउटसाइड एंगल से कोई मतलब नहीं है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट आपको इसका फॉर्मेट याद रखना है कि इंटीरियर एंगल, इंटीरियर नाम इसलिए दिया क्योंकि अंदर साइड है, ओके। करिस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स इट्स ऑन द वन साइड बट यू हैव टू लीव वन एंगल एंड जंप टू द सेकेंड एंगल, सो ए विल बी रिलेटेड टू द ई, सो ए एंड ई इज द करिस्पॉन्डिंग एंगल, और इंटीरियर एंगल आपका अंदर साइड होगा, राइट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट विच इज alternate angle. Now alternate angle is always in the cross way, like a z angle type, like c, dekho ek z ban raha hai idhar bhi, so c will be related to f and d will be related to e. aur ek hai isme jo do type hota hai, ek interior alternate angle hai जो ये वाला होता है, और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, जो होता है ए से एच के साथ रिलेशन, एंड बी इज रिलेटेड टू जी, बट दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो मोस्टली इससे रिलेटेड होते हैं, इससे रिलेटेड नहीं होते, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया है कि एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, जो बाहर से आपका इधर तक, अंदर से अगर इंटीरियर मतलब अंदर के पार्ट से, तो अंदर के पार्ट से कोरिलेट करेगा तो उसको इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बोलेंगे, और बाहर से अगर कोरिलेट करेगा तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, बट इन द क्रॉस वे, ओके, इट्स नॉट ऑन द वन साइड, कीप दिस इन माइंड। नाउ लेट्स कम ऑन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। लास्ट टाइम हमने थर्ड पार्ट किया था ऑल्टरनेट एंगल, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल नाउ, ओके। वॉट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, विच इज द एंगल विच फॉर्म इन द वन पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट द वर्टिकली अपोजिट, बट इन द क्रॉस वे, सो बी सी के साथ रिलेट होएगा, ए डी के साथ रिलेट होएगा, सेम वे ई एच के साथ रिलेट होएगा, एंड जी विल बी रिलेटेड टू एफ, ओके। इट्स वेरी सिंपल, देखिए क्रॉस में जस्ट एक ही पॉइंट में जो एंगल फॉर्म होते हैं उसमें ही है, लेकिन क्रॉस वे में, इट्स नॉट इन द सेम डायरेक्शन, और जो सेम डायरेक्शन में होएगा, सेम साइड होएगा, उसको बोलते हैं लीनियर एंगल, लाइक ए विथ सी बी विथ डी। अच्छा यहाँ पे लीनियर एंगल में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं एक्चुअली इसको, बी और डी भी होएगा और ए और बी, वाई वी आर साइंग ए और बी ऑल्सो को रिलेटेड इन द लीनियर एंगल, बिकॉज ए और बी में भी एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, और बी डी में कौन सा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो बी और डी भी लीनियर एंगल है और ए और बी भी लीनियर एंगल है, ये आपको समझ में आ गया है। कोई भी एंगल एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होता है, कितने भी एंगल फॉर्म हो जाए, वन टू, इधर देखो तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर, तो ये चारों एंगल ऐड करके आपका, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि, लेकिन बट दिस ऑल फोर एंगल इज लीनियर एंगल बिकॉज दे आर कमिंग इन अ वन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उसको लीनियर एंगल बोलते हैं जो पूरा फॉर्म करता है स्ट्रेट लाइन को, और वो स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल टू 180 होता है, वो मैं आपको अब बताता हूँ बाद में। तो आपको समझ में आ गया रहेगा ए विथ सी बी विथ डी एंड ए विथ बी भी होएगा एंड सी विथ डी भी होएगा, और वैसे ही आपका इस साइड भी होएगा, एंगल ई एंड जी, एंगल एफ एंड एच, एंगल ई एंड एफ, एंगल जी एंड एच, दिस आर द एंगल्स। ये सब आपको सिर्फ खाली ये पता करने का है कि इसमें रिलेशंस क्या है। अब मैं आपको इसके पैरेलल लेंस होएगा तो इसका रिलेशंस क्या बनेगा वो मैं आपको
इसमें आ जाओ। अब नाउ ट्रांसवर्सल एंड दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स विच आई हैव टोल्ड यू, जस्ट यू हैव टू यू शुड नो दैट विच एंगल आर द करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, वर्टिकली एंगल एंड लीनियर एंगल। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल लाइन से रिलेटेड कैसे एंगल फॉर्म होते हैं और इसका रिलेशन क्या होता है, कितना एंगल्स होते हैं। ओके,